जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी। जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी को फादर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं एजुकेशन के लिए, उसको हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द इनर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा बच्चों के आंतरिक विकास पर निर्भर करती है, इसलिए जो एजुकेशन है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एजुकेट होल चाइल्ड बाय बैलेंसिंग बिटवीन हैंड हार्ट एंड हेड। एजुकेशन के थ्रू व्यक्ति के सभी पहलुओं का, सिर का, हृदय का और हाथ तीनों का विकास करना चाहिए। सिर का विकास मतलब व्यक्ति को इंटेलेक्चुअली मेंटली डेवलप करना चाहिए। हृदय विकास मतलब व्यक्ति को इमोशनली स्पिरिचुअली डेवलप करना चाहिए। हाथ का विकास मतलब व्यक्ति को वोकेशनली डेवलप करना चाहिए। प्रोमोटेड द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने शिक्षा को बाल केंद्रित किया। एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड विद इन इमोशनली सिक्योर सेटिंग। बच्चों को ऐसे वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए जिसके अंदर बच्चे खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें। पेस्टोलॉजी के अनुसार स्कूल का वातावरण घर जैसा होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। शिक्षा बगैर किसी भेदभाव के सभी को प्रदान की जानी चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन। पेस्टोलॉजी प्रेजेंटेड टू जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन। पहला है डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति का विकास करना। व्यक्ति की जो भी आंतरिक शक्तियां हैं उसका पूर्णतः विकास करना पेस्टोलॉजी की शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा एम है इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग अच्छे सिटीजन का निर्माण होता है एजुकेशन के थ्रू, जो सही और गलत में फ़र्क समझते हैं। और दूसरा, शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे गरीब लोगों के जीवन को सुधारा जा सकता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग। एम्फेसाइज्ड इंडक्टिव मेथड। पेस्टोलॉजी ने आगमन विधि पर जोर दिया। दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग मेथड। पेस्टोलॉजी ने बालक की क्रियाशीलता के आधार पर करके सीखने पर जोर दिया। तीसरा है मूविंग टूवर्ड्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। पेस्टोलॉजी के अनुसार अगर कोई भी टॉपिक हमें समझाना है तो उसके जो आसान कंसेप्ट है उसको पहले समझाना चाहिए और धीरे धीरे आसान कंसेप्ट से हमें मुश्किल कंसेप्ट की ओर बढ़ना चाहिए। बिगिन विथ कंक्रीट कंसेप्ट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। टीचर्स को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को ए फॉर एप्पल बताना है तो टीचर्स को पहले एप्पल दिखाना चाहिए, कंक्रीट हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका नाम बताना चाहिए, उसके फ़ायदे बताने चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हो गए। कुलम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए पेस्टोलॉजी ने एक टेबल कंस्ट्रक्ट की। कुछ इस तरह की टेबल थी जिसमें नंबर्स के स्थान पर लाइंस यूज़ किया और लाइंस को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज करके पूरे मैथमेटिक्स की शिक्षा दी, नॉलेज दी। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस, नेचुरल साइंस, हिस्ट्री, नेचुरल साइंस और हिस्ट्री के लिए फील्ड ट्रिप्स मेथड को बताया। म्यूजिक और ड्राइंग, ड्राइंग के लिए लकड़ी को जोड़कर चित्र बनाने का ढंग बताया। रोल ऑफ टीचर्स। द टीचर शुड क्रिएट अ होम लाइक एटमोसफियर इन द स्कूल वेयर द चाइल्ड फील सेफ। टीचर्स को स्कूल के अंदर घर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसके अंदर बच्चे खुद को सेफ महसूस करें। मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि वो कोई भी चीज़ रट के ना याद करें, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करें। टीचर्स शुड नॉट एक्ट ओनली एज इंस्ट्रक्टर। अपनी पुस्तक लियोनार्डो एंड गर्ट्रूड में पेस्टोलॉजी ने बताया कि कैसे गर्ट्रूड जो थी वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। वो बच्चों से कभी ये नहीं बताती थी कि ये तुम्हारे हैंड्स हैं, ये तुम्हारे हेयर्स हैं, ये तुम्हारी आईज हैं। वो बच्चों से बोलती थी, आओ मैं तुम्हारे छोटे छोटे हैंड्स को वॉश कर दूँ, आओ मैं तुम्हारी हेयर्स को कॉम्ब कर दूँ। तो इस तरह से जो टीचर्स होते हैं केवल उन्हें इंस्ट्रक्टर की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। ही कंसिडर्ड मदर एज द बेस्ट एंड फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। पेस्टोलॉजी ने मदर को सबसे बेस्ट टीचर माना है बच्चों के लिए, और सबसे पहली जो टीचर होती है वो माँ ही होती है बच्चों के लिए, पेस्टोलॉजी ने ऐसा माना है। प्लेस ऑफ द चाइल्ड। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा बालक की रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। चाइल्ड मस्ट टेक एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चिल्ड्रन को एक्टिवली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो टीचर्स से क्वेश्चन पूछें और जो नॉलेज उसे है, बच्चों को है, वो उसको क्लास के अंदर डिस्कस करें। पेस्टोलॉजी टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ चाइल्ड बेस्ड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन।
पेस्टोलॉजी ने बच्चों के फ्रीडम की बात की जो कि सेल्फ डिसिप्लिन पे बेस्ड होनी चाहिए। डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन के कंसेप्ट को दिया, बच्चों के फ्रीडम की बात कही है।